आरिफ खान, आई एम फ्रॉम द पंच बॉक्सिंग स्पोर्ट्स उरुल्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आज आपको एक प्रोफेशनल बॉक्सर कैसे बन सकते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा कि बॉक्सर अपनी प्रोफेशनल बॉक्सिंग किस तरह से ज्वाइन कर सकता है और बॉक्सिंग प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपना करियर किस तरीके से। इस वीडियो में आपको बॉक्सिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब, बॉक्सिंग में कितना कमाया जा सकता है और बॉक्सर किन किन तरीकों से पैसे कमा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा पैसा है और वर्ल्ड का रिचेस्ट स्पोर्ट्स भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग है और वर्ल्ड के रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट वो भी बॉक्सर ही हैं, जैसे कि फ्लॉयड मेवेदर, मैनी पैक्यो, इन सबको मिलियनेयर बिलियनेयर बॉक्सिंग ने ही बनाया है, खासकर प्रोफेशनल बॉक्सिंग से। इनके अलावा भी काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग से ही होकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अगर आप एमेच्योर बॉक्सिंग में किस तरह से आना है ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कैसे रैंक बढ़ाया जाता है कि जितना बड़ा रैंक उतनी ज़्यादा कामयाबी, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में। तो टिप्स बाय टिप्स और स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल बॉक्सिंग की जर्नी को समझते हैं। पहला हमारा स्टेप है करियर इन एमेच्योर बॉक्सिंग। एमेच्योर बॉक्सिंग में किस तरीके से करियर, एमेच्योर बॉक्सिंग क्या होती है? देखिए, एमेच्योर बॉक्सिंग क्या होती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होती है। अगर आपको एमेच्योर बॉक्सिंग स्टार्ट करनी है तो आपको अपना कोई लोकल बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करना होगा, जो कि आप फिर उस क्लब के थ्रू आप डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में गोल्ड हासिल करते हैं तो आपको स्टेट टूर्नामेंट में जगह मिलेगी, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट टूर्नामेंट में। फिर अगर स्टेट टूर्नामेंट में आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए गोल्ड मेडलिस्ट जीता स्टेट में, तो आपको स्टेट रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, जिसका मतलब है कि फिर आप नेशनल टूर्नामेंट में जाएंगे। फिर अगर नेशनल टूर्नामेंट में आपने पूरे इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट हासिल करा तो आपके डोर्स ओपन हो जाएंगे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए, जैसे कि एशियन कॉम्पिटिशन, कॉमनवेल्थ कॉम्पिटिशन और आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिशन और सबसे बड़ा ओलंपिक कॉम्पिटिशन। ये जर्नी एमेच्योर बॉक्सिंग की शुरू होती है डिस्ट्रिक्ट से। एमेच्योर का सबसे अच्छा ये फ़ायदा, अगर एमेच्योर में आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब ऑफर होती है। जितनी भी एमेच्योर फेडरेशंस हैं, चाहे बॉक्सिंग की या किसी और स्पोर्ट्स की, उनके थ्रू आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। दूसरा है कि क्या बिना एमेच्योर के हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आने के लिए एमेच्योर खेलना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्किल्स बहुत हाईली और ज़्यादा लंबा गेम है, लेंथ ज़्यादा लंबी है। जैसे कि एमेच्योर में 3 राउंड होते हैं, 4 राउंड होते हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 10-10 राउंड की फ़ाइट्स होती हैं, 12 राउंड की फ़ाइट्स होती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको अपना स्टेमिना ज़्यादा बनाना पड़ता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग थोड़ी हार्ड है और बजाय कि एमेच्योर। अगर आप एमेच्योर बॉक्सिंग खेलते हैं ऑलरेडी और आपने एक अच्छा रिकॉर्ड उसमें बना रखा है, या आप डायरेक्ट ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी आना चाहिए, तो उसके तरीके क्या हैं? देखिए, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मिनिमम एज जो होती है वो 17 ईयर्स है आने की, और इसमें आपको बॉक्सिंग लाइसेंस लेना पड़ता है प्रोफेशनल बॉक्सर का, जो कि हमारी इंडिया में काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे आपको एक बॉक्सर लाइसेंस की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जिससे कि आप अपना प्रोफेशनल बॉक्सिंग लाइसेंस ले सकते हैं और फिर प्रोफेशनल फाइट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार आपको प्रोफेशनल बॉक्सिंग में लाइसेंस मिल गया तो जब आप अपनी पहली प्रोफेशनल फ़ाइट खेलेंगे उसके बाद आपकी वर्ल्ड रैंकिंग पे आपके रिकॉर्ड चढ़ते हैं। जैसे कि बॉक्सरैक एक है जहाँ पे boxrec.com, अगर आप देखेंगे वहाँ पे वर्ल्ड के सारे फाइटर्स का रिकॉर्ड अपडेट होता है। तो आप जब एक एज अ लाइसेंस्ड प्रोफेशनल बॉक्सर आप अपनी फ़ाइट खेलते हैं तो आपका रिकॉर्ड बॉक्सरैक पे जाता है, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग प्लेटफॉर्म है। जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल है, वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन है, तो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन है, ये सबका टाई अप बॉक्सरैक के साथ है, इन सबके रिकॉर्ड्स बॉक्सरैक पे जाते हैं। तो जब आपके रिकॉर्ड वहाँ पे जाने पड़ेंगे, जब जाने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपके रिकॉर्ड की एक, जितनी फाइट्स आप खेलेंगे आपका रिकॉर्ड उतना अच्छा होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 फाइट खेली और 10 फाइट में से आपने 8 जीती, तो आपकी वर्ल्ड रैंकिंग में 8 विन और आपने 2 हारी या 1 हारी और 1 ड्रॉ रहा, तो वर्ल्ड रैंकिंग पे आपकी 8 विन, 1 लूज और 1 ड्रॉ
ये वर्ल्ड रैंकिंग पे रहेगा आपका अगर आप सैंक्शनड फाइट खेलते हैं। द पंच बॉक्सिंग सैंक्शन फाइट ऑर्गेनाइज करती है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जब आपका रिकॉर्ड बढ़ता है तो उसके बाद मैटर आता है रैंकिंग का, कि आपने ये रिकॉर्ड किन फाइटर्स को बीट करके बनाया है। जिस फाइटर की रैंक ऑलरेडी आपसे अच्छी थी, चाहे आप अगर इंडिया से फाइट कर रहे हैं तो दो तरह की रैंकिंग होती है, एक आपकी कंट्री की और एक वर्ल्ड की रैंकिंग होती है। तो ये होता है कि आपने किस फाइटर को हरा के अपने रिकॉर्ड बढ़ाए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जिन फाइटर्स का हमसे अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, हम उन्हीं से खेलते 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 अपना रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, बट उससे आपकी फिर रैंकिंग में फ़ायदा नहीं मिलता आपको। आपकी रैंकिंग में आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब आपसे अच्छी रैंक, आपसे अच्छे रिकॉर्ड वाले फाइटर को आप बीट करेंगे, तो आपकी रैंकिंग मैसिवली बढ़ती है। पहले कंट्री की बढ़ेगी, फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की रैंकिंग बढ़ती है। और ये रैंकिंग आपको फाइट प्रोवाइड करने के लिए आपको हेल्प करेंगे बॉक्सिंग के मैनेजर्स, प्रमोटर्स और जो एक्सपीरियंस कोचेज हैं। कोचेज की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आपको एक अच्छे मैनेजर की ज़रूरत है जो आपको फ़ाइट्स दिलाए, अच्छी फाइट, और आपको एक प्रमोटर की ज़रूरत है, बहुत अच्छे प्रमोटर की, जिसकी फ़ाइट की क्वालिटी, जिसके इवेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। बेसिकली इसमें जो मेन होता है वो होता है प्रमोशन। आपका जितना प्रमोशन होता जाएगा, जितना भी प्रमोशन होगा, आप उतना ही ज़्यादा लोगों की नज़रों में आओगे। जितना आप लोगों की नज़रों में आओगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो, उतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स आपको मिलेंगे, उतने ज़्यादा लोग आपकी फ़ाइट को देखना चाहेंगे, उतने ज़्यादा ही चैनल आप में इंटरेस्ट लेगा। तो जितनी आपकी फ़ाइट्स अच्छी होंगी, जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी फ़ाइट बहुत अच्छी है बट फाइट को एक्सपोजर नहीं मिल रहा, दुनिया देख नहीं पा रही आपको, बट आपकी फ़ाइट बहुत अच्छी है, तो क्या है कि आपका टैलेंट छुपा हुआ रहेगा। इसमें प्रमोटर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपको अगर अच्छा प्रमोटर मिल गया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, तो आपकी जो फ़ाइट है उसको एक पूरा एक्सपोजर मिलना चाहिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जिससे कि आपका नाम बनेगा। आपका जब नाम बनेगा तो अब दुनिया की नज़र में खुद होगा, और बहुत सी अच्छी अच्छी ब्रांड्स आपके पीछे आएंगी आपको स्पॉन्सर करने के लिए, आपको पर्स मनी देने के लिए। आपकी पर्स मनी भी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपकी वजह से प्रमोटर को कितना फ़ायदा हो सकता है, तो आपकी फ़ाइट कितने लोग देखना चाहते हैं, तो प्रमोटर्स आपको पैसा भी देना शुरू करेंगे। आज देखिए फ्लॉयड मेवेदर का जो रिकॉर्ड है, या माइक टायसन से बहुत अच्छे ज़्यादा लोगों का, फ़ाइटर्स का रिकॉर्ड था, बट माइक टायसन ही इतना ज़्यादा पैसे क्यों कमाता था? फ्लॉयड मेवेदर के जैसे रिकॉर्ड एक फ़ाइटर का और है, बट फ्लॉयड मेवेदर आज के टाइम में रिचेस्ट एथलीट है पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि फ्लॉयड मेवेदर की फ़ाइट सब लोग देखना चाहते हैं। वो उसने अपने आप को इस तरीके से, उसका जो प्रमोशन, जिन प्रमोशंस के साथ उसने फ़ाइट करी है, उन्होंने उसको बहुत प्रमोट करा है, एक नाम है, एक ब्रांड बन गया है। इसी तरीके से वो सेम बनने के लिए आपको एक अच्छे प्रमोशन की ज़रूरत है जो आपको विजिबिलिटी दे। फिर जब आपका प्रमोशन होता है तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बेल्ट्स होती हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी बेल्ट्स हैं, WBC की, WBA की, WBO की, जैसे मैंने पहले बताया था। तो पहले होता है कि इनकी, अगर आप इंडिया से हैं तो आप एशियन टाइटल के लिए फ़ाइट करेंगे। एशियन टाइटल के बाद आपको वो टाइटल डिफेंड करना होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जब आप एक टाइटल जीत जाते हैं उसके बाद आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जा सकते हैं। जब आप सक्सेसफुली एशियन टाइटल डिफेंड भी कर चुके हैं और जीत भी चुके हैं, तो आप फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये रैंकिंग और बेल्ट सिस्टम इसमें चलता है। अभी इंडिया में बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग धीरे धीरे अभी पॉपुलर होता जा रहा है, और बहुत ही जल्दी ये फ्यूचर है इंडिया का प्रोफेशनल बॉक्सिंग, ये 100% श्योर है। इसके अलावा प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आपको स्पॉन्सरशिप से पैसा मिल सकता है, आपको मीडिया से पैसा मिल सकता है, आपको ब्रांड्स मिल सकती हैं जिनको एंडोर्स करने के लिए, जो आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना, आपको ब्रांड्स मिल सकती हैं जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए आपको पैसा देना चाहेंगे। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग अगर आप देखें तो वर्ल्ड का रिचेस्ट गेम है, मैं फिर कहना चाहूँगा, और इंडिया में अब इसकी जगह बनती जा रही है। तो अपना प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर चूज़ करने के लिए आप द पंच बॉक्सिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे हमारे यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, हमारे फेसबुक के थ्रू आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम आरिफ खान है, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप पंचिंग द पंच बॉक्सिंग।